तो जोधपुर में उपजे उपद्रव से जुड़ा मामला और कर्फ्यू के चलते लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों के द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। आरएसी के जवानों के द्वारा बराबर चौकसी बरती जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों से अब तक 97 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। 8 FIR दर्ज करने के साथ ही आवश्यक सभी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई लगातार नजर बनाए रखे हैं। तो देखिए, जोधपुर से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जोधपुर में उपजे उपद्रव से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और कर्फ्यू लगातार जो इलाके में बना हुआ है, 10 थाना क्षेत्रों में आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू इंप्लीमेंट रहेगा और कर्फ्यू के चलते लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस के अधिकारी पूरी चौकसी बरत रहे हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी राजीव गौर इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, कर्फ्यू लगा हुआ है 10 थाना क्षेत्रों में और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा अगर गश्त की बात करें तो लगातार की जा रही है। फिलहाल क्या मौजूदा हालात राजीव? देखिए कि कल की रात जो थी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गुजरी है। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई अपनी पूरी टीम के साथ सतर्क और सावधान है। अभी भी जोधपुर का जो चाली गेट चौराहा है वहां पे पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने अपनी टीम के साथ यहां पर दौरा किया। देखिए, लगातार जो पुलिस के अधिकारी और आरएसी के जवान है वो गश्त कर रहे हैं और अभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण हालात है। आज दिन के अंदर भी फोकस रखना होगा। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले को गंभीरता से लेकर के मंत्री राजेंद्र यादव और उनके साथ में सुभाष गर्ग को जोधपुर में, साथ में रात को 13 BD कल्ला भी आ गए थे और तमाम जो ACS होम की बात करें, अभय कुमार की बात करें और ADG हवा सिंह गोमरिया की बात करें, उन्होंने फीडबैक, संजय अग्रवाल ADC हैं, उन्होंने फीडबैक लिया। लगातार गश्त की जा रही है और जिस तरीके से आसपास जो भी लोग आ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनको पुलिस समझा करके यहाँ से रवाना कर रही है। कोई जरूरी काम, इमरजेंसी सेवाएं, उनको छूट है, उनका आई कार्ड देखने के बाद में उनको आगे अलाउ किया जा रहा है। जी राजीव, इसके अलावा 97 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है, बहुत क्विक एक्शन हो रहे हैं, 8 FIR दर्ज हुई है, क्या जानकारी अभी जो लीगल कार्रवाई है उनको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बात कही थी कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 97 की गिरफ्तारी ऐसे मामलों में पहली बार हुई है। सुबह तक तो बात करें, जब तक दोपहर तक बात हुई थी 53 लोग थे, लेकिन रात होते होते ये संख्या 97 पहुंच गई। 3 FIR दर्ज की गई है और अभी CCTV का जो रिकॉर्ड है वो भी खंगाला जा रहा है कि कहां किसी ने बाइक जलाई हो, जिसने किसी को परेशान किया हो, मारपीट की हो, ऐसे जो लोग हैं उनका कनेक्शन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी हिस्ट्री शीट क्या है, वो भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अपराधी का कोई नाम, कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती है, ऐसा मजिस्ट्रेट तो होता, पुलिस उस लिहाज से हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल।